अब तक आपने देखा। आपकी शादी की सालगिरह के लिए शुभकामनाएं। माँ जी, वो मैं बोलना चाहती थी कि आपके सालगिरह के खुशी के मौके पे क्यों ना हम लोग घर पे एक छोटा सा कार्यक्रम करें। मैं इब्बी जाके रसोई में अच्छा अच्छा पकवान बना देती हूँ आज के लिए। तो जिस चीज ने भी हाथ लगा हुआ है ना, उसका सत्यानाश करके छोटा इसका अच्छा तो यो है कि तू आराम कर ले बस। तो लाखा की दुल्हन बन के कर लेती, बड़ों की जगह लेना चाहती थी। तू देख ना रही ब्याह के बाद उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। अब आगे अभी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लकी के जगह राणा के साथ शादी करने के लिए समझाया था। हमारी सुनती रहेगी ना, हमेशा खुश रहेगी। कोई भी आग लग जाती आपकी लापरवाही की वजह से। यो तो अच्छा है पिंकी यहाँ से। अच्छा पिंकी, तू यहाँ से है ना, तो मेरी मदद कर ले, हम दोनों साथ मिलके यो सब काम कर लेंगे। तुम्हारी बात सुन, चल हमारे साथ। भाई क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़। माई पैर में क्या हो गया आपको? अरे छोरे कुछ ना हुआ मारे को। अरे आप बैठो इधर, अब इधर बैठो। मैं क्या कर रही हूँ? उम्र तो देख लिया करो अपनी, इतनी भारी भारी पानी की बाल्टियां उठा रहे हो आप। मां भाभी का है? वो बाहर गई से। तू है ना ज्यादा घर गृहस्थी के कामों में अपना दिमाग ना खराब करा कर, जाके पढ़ाई कर। मां पढ़ाई मैं कर लूंगा, पर मारे को एक बात बताओ, इस उम्र में आप इतनी भारी भारी पानी की बाल्टियां उठा रहे हो? भाभी खुद बाहर घूम रही है, कोल्लू के बैल की तरह काम करा रही है, आप मेरे को कह रहे मैं कुछ ना बोलूं? माँ भाभी आपके साथ ना ये व्यवहार नहीं कर सकती। आने तो भाभी को, आज जरा बात कर ही ली जाए। माँ मारे से थारी वो हालत देखी नहीं जाती, मारे होते हुए थारे को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं, और आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी, इतनी तकलीफ भरी जिंदगी से ना बाहर निकाल के एक अच्छी सुख शांति की जिंदगी दे। इब्यो थारी मोटी मोटी आंखों से आंसू आएंगे तो मारी आंखें भी तो नम हो जाएंगी ना, और फिर मारे को तो पूरा विश्वास कि एक दिन तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अपनी योजित छोड़ दे और जा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? करे कोई और फल खाए कोई, ऐसा तो मैं बिल्कुल ना होने दूंगी। कमला माँ जी, आपकी खुशनसीबी तो मैं खूब समझूं, पर अभी इस वक्त मने सबसे खुशनसीब मालती माँ जी लगे हैं।
जिन्हें कोमल जैसी बहू मिली, जिसने यो सब कुछ अकेले कर लिया। और हाँ, मारी पिंकी ने थोड़ा बहुत साथ जरूर दिया है, गलत कह रही हूँ के? मालती माँ जी, आपने घर ना होता कि आपकी बहू ने यो सब तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से कर ली। वाह भाई, क्या बात है कोमल बेटा, तने तो कती कमाल कर दिया। इस कार्यक्रम में तने चार चांद लगा दिए बेटा, तू जीतती रहे। अरे खड़े खड़े अपने पैरों को तकलीफ क्यों देते हैं आप सब, बैठ जाइए। आजा कम, आजा। इस खुशी के मौके पर मैं तुम सब लोगों ने एक मेरे दिल की बात बताना चाहता हूँ। काश रघु भी होता तो अच्छा लगता, वो भी सुन लेता। सरपंच जी अपने साथ कोई जरूरी काम से उनको बुला के ले गए। लगता है राणा जी अब भी मुझसे नाराज है, कुछ करना पड़ेगा। खैर कोई बात ना, तुम लोग हो मारे जीवन में पिछले 30 सालों से मेरी प्यारी अर्धांगनी, मेरी जीवन संगिनी कम्मो ने जितना मारे को सताया से ना, उतना तम सब लोग परिवार वाले मिलके भी नहीं सता सकते। पर एक बात और से, इसने मारे को जितनी जीवन में खुशियां दी से ना, वो सारे देवी देवता मिलके भी मारे को नहीं दे सकते। इसने मारे को होनहार आज्ञाकारी बेटा राणा दिया और मारी लाडली प्यारी बेटी प्रज्ञा, इन दोनों बच्चों को पाके मारा जीवन सफल हो गया। इसने हर सुख दुख में मारा साथ दिया। मैं इसलिए मेरी कम्मो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसने मारे जीवन में अनेक खुशियां ही खुशियां भर दी। मैं आप लोगों को भी इतना प्यार और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और वो भी इतने कम समय में। बस ये मारी तो एक ही तमन्ना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल तक अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। मैं यूं कह रही थी कि यूं खुशी के मौके पर अगर थोड़ा नाच गाना हो जाए तो मैं म्यूजिक ऑन करके आती हूँ। मेरी मखणा मेरी सोनिए चन बलिए तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे मेरी मखणा मेरी सोनी है मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। वो जी पिंकी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था जी। ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है जी। वो मैं आपसे यो बोलना चाह रहा था कि जी वो
हमारी जो चैंपियनशिप जीती हुई राशि पड़ी है ना जी, वो वैसे भी पड़े पड़े धूल ही खा रही है। तो मैं आपसे यो बोलना चाह रहा था कि अगर आप कहो तो उसमें से अपन थोड़ी सी राशि लाखा और बड़ों को भेज दें। बेचारा एक जमाने के आयरन मैन आज किसी और के कपड़े आयरन करके गुजारा कर रहे से। थोड़ी मदद हो जाएगी। जी। वैसे पिंकी जी, क्या सोच है ना आपकी? आपकी तरह तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही ना पाया और आगे भी ना सोच पाऊं। पिंकी जी, मैं तो ना जी धन्य हो गया आप जैसी पत्नी पाके। जी मारी जूती कहां से? जूती पहनने के लिए। अच्छा जी, मैं लेके आता हूँ जी। देखा सासुमा, आप तो खुद कभी नंबर वन ना बन पाई। मैंने आपके छोरे राणा को कुश्ती में नंबर वन बना दिया और खुद भी अलावत निवास के नंबर वन बहू बन गई। अरे ओ पिंकी, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे। सुनिए लक्की जी, सच बता रही सू, मैंने बहुत खुशी से कि आपको चेन्नई जाने का मौका मिल रहा से, और वो भी स्पोर्ट्स कैंप के लिए। सिर्फ किस्मत वालों को ऐसा मौका मिले से। मेरी उम्मीद से कि स्पोर्ट्स कैंप में जाकर आपकी कुश्ती और निखर जाए और आप कुश्ती में सबसे बड़े चैंपियन बन जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपके और आपके कुश्ती के बीच में मैं कभी बाधा बन के आऊं। मेरा बस यही ख्वाब से कि आपके सब सपने पूरे हो जाए, और उससे मने इतनी खुशी मिलेगी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं आपका साथ दूंगी। जो भी मैं कर सकूं मैं करूंगी। मेरे कमरे की दीवारों पर आपके जीते हुए मेडल सजे होंगे, जिसे देखकर मैंने बार बार गर्व महसूस होगा। कैसे होंगे पिंकी जी के साथ 30 साल? क्या कर रहे आप? कहीं बच्चों ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो देख लिया, किसी का डर है क्या? कोई पाप थोड़ी ना कर रहे हैं। आप भी ना बड़े वो हैं। बुढ़िया हो गई है तू। अरे छोड़ो। अरे हाँ बाबू जी। कहाँ जा रहा है बेटा? बाबूजी आइए, खाड़े में जोरदार मुकाबला है। मोहन भैया, सोहन भैया और रोहन भैया कुश्ती लड़ने जा रहे हैं, आप भी चलिए। वाह भाई वाह, मारी राणा सेना का तो कोई जवाब ही ना से। सब एक से बढ़कर एक, मुकाबला तो जानदार ही होगा। नहीं चल। Bye.
30 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? जीती रे, तूने तो मेरी छुरी की कमी पूरी कर दी। बस कर, तेरे हाथ दुख गए होंगे बस। ना माँ जी, मन करने दो। माँ? अरे? अरे देख माँ, हरियाणा के आयरन मैन के साथ साथ मैं नेशनल चैंपियनशिप भी जीत गया हूँ और एक और मेडल तेरे लिए। दे। पेन? अरे कितना चचरा। शाबाश, ऐसे ही मेडल जीतता रहे। और ये तो इस छोरे की किस्मत है जो तेरे को लग गई है। ये मेडल तो तू इसको पहना। कोमल, थारा जितना भी एहसानमंद हो जाओ ना, मैं फिर भी थारे एहसानों का बदला ना चुका सकता। इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं, अगर तू मेरी जिंदगी में ना होती ना, तो मैं ये सब कुछ ना कर पाता। अरे तू प्रेरणा है मेरी। अरे अपनी शेरनियां नजर नहीं आ रही, और बाबूजी भी ना। बाबूजी कहाँ होंगे? आपने जो नया अखाड़ा बनाया है ना, उसी की देखरेख में लगे रहते। और आपकी शेरनियां भी वही है। बाबूजी उन्हें कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे से बोल रहे थे कि अलावत खानदान के छोरों ने तो बड़ा नाम कमा लिया, इब छोरियों की बारिश है। गोल्ड मेडल चैंपियनशिप की ट्रेनिंग दे रहे से ये हुई ना बात। अरे जो मैं सपना देख रहा था ना, बाबूजी उसको पूरा करने में लग गए। ओए, ये तो भूल ही गया। चलो यो तो बहुत बढ़िया हुआ कि इस पहलवान को चिंगारी से 16 बनने से पहले ही मैंने संभाल लिया। पर काम ना अभी खत्म ना हुआ। असली काम तो अभी बाकी से। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर वो सब भी कर ही लूंगी मैं। यो देखो, इधर पिंकी और राणा बिल्कुल बंटी बबली की तरह सबकी आंखों के नीचे नजरें चुरा चुरा के नैन मटका कर रहे हैं। अरे मारी बड़ो, दूसरों के तमाशे में ताली बजाने में लगी हैं। तमाची, आप बच के ना जा सकते। आपने भी नाचका के महफिल में रंग तो जमाना ही पड़ेगा। और वैसे भी ताया जी ताऊ जी की सालगिरह रोज रोज थोड़िया में गलत कह रही हूँ के। पायल क्यों जिद कर रही है? जब उसका मन ना है नाचने का, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रही है उससे? हम बे मालती, तू भी बात बात पे वकालत करन बैठ जाए। ठीक ही तो कह रही है पायल। जी मारा छोटा बेटा और छोटी बहू नाचेंगे तो और भी रंग जम जाएंगे और हमने भी खुशी होएगी, है कि नहीं मालती? कमला ने बिल्कुल सही कहा है भाई। जब तक लखा और कोमल बिटिया ना नाचेंगे तो मजा ना आएगा। चलो बच्चों नाचो।
बाल थी। किसे लग रहे हैं दोनों? किसी फिल्म के हीरो हीरोइन से कम ना लग रहे? मने बड़ी पसंद है दोनों की जोड़ी। हाँ भगवान बड़ा रखे।